नेपाल के हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा एक शहर जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था और उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप और नाग रहा करते थे। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तंत्र विद्या और सबसे बड़ा ओपन क्रीमेशन ग्राउंड के लिए जाना जाने वाला ये शहर और यहाँ पर बसा शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर। शहर के हर एक हिस्से में ऐसे कई राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अप्रैल 2015 एक खतरनाक भूकंप ने काठमांडू शहर को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते शहर में बसी दुकानें और घर मिट्टी के ढेर में बदल गए और इसी ढेर के नीचे कुचले गए 9000 लोग जिन्हें एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ऐसी भी जगह थी जिसका ये खतरनाक भूकंप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बना है जहां आप एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। यह है शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर और इस मंदिर और यहां की शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो अपने आप प्रकट हुआ और इसके बाद से ही काठमांडू को शिवजी की भूमि कहा जाने लगा। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिवजी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए थे। तब वो काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुक गए और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया। बहुत देर तक जब शिवजी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु खुद शिव जी को अपने साथ वापस ले जाने धरती पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिव जी ने उन्हें देखा, वो तुरंत यहां से वहां भागने लगे और उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण के सींग को पकड़ लिया, पर उनके छूते ही वो सींग टूट गया और जमीन पर गिर गया, जिसके बाद शिवजी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वो अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह पर सींग का वो टुकड़ा गिरा था, कुछ समय बाद वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज ये शिवलिंग, जिसे मुखलिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के चार चेहरे हैं जो शिवजी के चार अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का एक पांचवा चेहरा भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। कहते हैं कि ये चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले साधु ही इस चेहरे को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से ऐसी कई अनसुनी बातें और अनगिनत राज जुड़े हैं जिनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं और हम रास पर आपके लिए यही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियां लाते रहते हैं। राज एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा नई कहानियों और बेहतर एक्सपीरियंसेस के लिए क्यूरियस रहती है। इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाने के लिए हमने अपने चैनल पर मेंबरशिप टैब एक्टिवेट कर दिया है। इसके थ्रू हम आपके साथ ज्यादा क्लोजली कनेक्ट कर पाएंगे, आपके हर सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें। अब चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। 2015 में जब काठमांडू में वो खतरनाक भूकंप आया था, तब पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह थी जो बिल्कुल सुरक्षित रही, यहाँ का कुमारी घर, जो एक ऐसा महल है जहां जीती जागती देवी माँ रहती है। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 5 साल की छोटी बच्ची को एक दिन अचानक अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है और रोती बिलकती उस बच्ची को एक छोटे कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में सिर्फ कुछ दियों की हल्की रोशनी होती है और वो बच्ची ठीक से कुछ देख नहीं पाती है। खुद को अकेला पाकर वो बच्ची डर से कांपने लगती है। तभी वो अपने सामने खड़े पुजारी जी को देखती है जो आंखें बंद कर
कुछ मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछ पाए, उसे अचानक अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है और उसका सारा डर जैसे गायब हो जाता है। उसे लगने लगता है जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। वो बोल पड़ती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर बन चुकी हूं? ये सुनकर वहां के पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर उस बच्ची से कहते हैं, ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर बसती है और इसलिए तुम आज से यहाँ की कुमारी हो, देवी माँ का एक जीता जागता रूप। काठमांडू में सदियों से कुमारी घर की ये प्रथा चलती आ रही है, जिसमें शाक्या जाति की एक लड़की को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना की मदद से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। लोकल्स का मानना है कि ये प्रथा मल्ल वंश के एक राजा ने शुरू की थी, जिनका कहना था कि माँ दुर्गा ने स्वयं उनके सपने में आकर उन्हें इस प्रथा को शुरू करने का आदेश दिया था। पर इस प्रथा की एक शर्त भी है, जिसके चलते यहाँ की कुमारी सिर्फ युवा अवस्था शुरू होने तक ही यहाँ रह सकती है, जिसके बाद एक नई कुमारी चुनने का समय आता है और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में हो रहे बदलाव से इंसान का मन विचलित हो जाता है और ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्ति उनके भीतर नहीं रह सकती, इसलिए वो किसी और कन्या के भीतर चली जाती हैं जिसका मन शुद्ध हो। कहते हैं कि कुमारी घर में यहाँ की कुमारी और पुजारियों के अलावा किसी भी बाहरी इंसान के आने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यहाँ कुछ ऐसी पूजा और रिचुअल्स होते हैं जो दुनिया भर के लोगों के लिए सिर्फ एक गहरा राज बने हुए हैं। हिंदू धर्म की एक ऐसी पुराणिक विद्या जिसमें बलि, खून, संभोग और ऐसी कई चीजों को दर्शाया जाता है जो सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल नहीं होते, और दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है, जिनमें से ही एक है काठमांडू में बसा नरदेवी मंदिर, जो श्वेत काली देवी के सम्मान में बनाया गया है, जिसे वहां हो रहे तांत्रिक प्रैक्टिसेस का केंद्र माना जाता है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे, जहां अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसमें किसी गुफा की तरह एक बड़ी जगह थी। उन्होंने खुद को उसके अंदर छिपा दिया, लेकिन थकावट और डर के कारण वो जल्द ही बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने माँ श्वेत काली को अपने सामने पाया और वो तुरंत हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े हो गए। अब तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, तुम जी सकते हो, ये कहकर माँ वहां से गायब हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद ही उस राजा ने उसी जगह नरदेवी का मंदिर बनवाया, जो आज तांत्रिक साधना और पूजा के लिए जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बलि देना और देवी माँ के चरणों पर खून चढ़ाना तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे की बलि दी जाती है। नरदेवी मंदिर के साथ ही काठमांडू के कई मंदिरों में तांत्रिक विद्या और बलि की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिव जी को तंत्र देवता कहा गया है और इसलिए शिव जी के काल भैरव रूप को तंत्र विद्या में पूजा जाता है। 2005 में काठमांडू पर हुई एक कल्चरल स्टडी में ये कहा गया कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को यहाँ के कीर्ति मुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा होती है, जिसमें 5 बलि यानी 5 अलग अलग जानवरों की बलि देकर उन्हें कीर्ति मुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कीर्ति मुख भैरव काल भैरव का सबसे खतरनाक रूप है और ये 5 बलि की प्रथा कीर्ति मुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मुक्ति साल्वेशन यानी मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा पाकर मोक्ष हासिल करना, और इसी इच्छा से लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहां आकर भक्तों का सामना जीवन की एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ और भजन गाए जा रहे होते हैं,
वहीं दूसरी तरफ खुले आम चिताएं जल रही होती हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के एक हिस्से को शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस से सीधे मृत शरीर को यहाँ के आर्य घाट पर लाया जाता है। उसे एक भगवे कपड़े में लपेटा जाता है और फिर बागमती नदी के किनारे ले जाकर उसके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है। इसके बाद अर्थी पर लिटाकर शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, जो खुले में ही होता है। और कहा जाता है जिसका भी अंतिम संस्कार आर्य घाट पर हो, उसकी आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ती है। वैसे तो काठमांडू शहर से कई किस्से, कहानियां और अनकहे राज जुड़े हुए हैं, लेकिन ये शहर नेपाल के दो मुख्य धर्म हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जुड़े कल्चरल साइट्स के लिए भी जाना जाता है। और पशुपतिनाथ के रूप में शिव जी के यहाँ होने से ये शिव जी का एक पवित्र धाम भी माना जाता है। शिव जी के अन्य पवित्र धाम और ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए RAAAZ को सब्सक्राइब करें। See you in the next video.